तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कोवेरिएंट रिटर्न टाइप के बारे में। वैसे हम ओवरराइडिंग पढ़ रहे थे, मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग का जो डेफिनेशन था वो तो आपको क्लियर ही है कि इफ़ इन अ प्रोग्राम द पेरेंट क्लास मेथड नेम एंड चाइल्ड क्लास मेथड नेम आर सेम, मेथड नेम सेम एंड सेम सिग्नेचर, ऐसे ही बोल सकते हो। सो दिस कंसेप्ट इज़ कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। whenever method overriding is done, always preference goes to the child class overridden method, है ना। और इन केस ऑफ मेथड ओवरराइडिंग, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मेथड ओवरराइडिंग? मेथड ओवरराइडिंग का एक ही पर्पज़ होता है कि भाई पेरेंट क्लास के मेथड को रीराइट करके उसके अंदर लॉजिक लिख देना, और वो लॉजिक अपने हिसाब से जो आप चाहते हो वो लिख दो और फिर उसे आप कॉल कर लो। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बहुत आगे बहुत जगह आप मेथड ओवरराइड करोगे, है ना। तो मेथड ओवरराइडिंग में अगर हम रिटर्न टाइप में चेंज करके मेथड को ओवरराइड करते हैं तो उसे कोवेरिएंट रिटर्न बोलते हैं। तो कोवेरिएंट रिटर्न के बाद अगला जो कंसेप्ट है मेथड ओवरराइडिंग का, मेथड ओवरराइडिंग के रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या रूल्स हैं ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। रूल्स ये हैं कि जब भी आप मेथड ओवरराइडिंग करते हो, जैसे मान लो कि ये मेथड हमारा है, इसका नाम है वाइड शो, ये चाइल्ड क्लास का मेथड जिसका नाम है वाइड शो, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग अगर आप कर रहे हो, है ना, तो हमेशा मेथड ओवरराइडिंग के केस में अगर पेरेंट क्लास के मेथड स्टैटिक कीवर्ड से ऐसे बना दिया गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर पेरेंट क्लास का मेथड स्टैटिक है और चाइल्ड क्लास का मेथड स्टैटिक नहीं है और इसे आप चलाओ तो यू विल गेट द कंपाइल टाइम एरर, समझ में आ रहा है। अगर पेरेंट क्लास का मेथड स्टैटिक और चाइल्ड क्लास का मेथड नॉन स्टैटिक है, आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे एरर आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जावा सी एंड सी डॉट जावा, जब आप चला के देखोगे तो देख लीजिए आप पे यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। और अगर चाइल्ड क्लास का मेथड स्टैटिक हो, पेरेंट का मेथड नॉन स्टैटिक हो, तब भी एरर आ जाएगा, है ना, एरर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मेथड ओवरराइडिंग में ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मेथड स्टैटिक नहीं होना चाहिए, स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते हो आप, है ना। कुल मिला के सब कुछ सेम होना चाहिए, बात सही है, लेकिन आपको मैंने आपको बताया ना कि मेथड ओवरराइडिंग रिटर्न टाइप में चेंज करके भी करा जा सकता है, कोवेरिएंट रिटर्न करके। तो फिर ऐसे कैसे बोल सकते हो सब कुछ सेम होना चाहिए, मतलब आप, हाँ अपने रिस्पेक्ट में समझने के लिए, ठीक है। अच्छा हाँ, अगर मेथड ओवरराइडिंग तुम्हें करना हो स्टैटिक कीवर्ड लगा के कर लिया, तो पेरेंट को भी स्टैटिक बनाओ और चाइल्ड को भी स्टैटिक बनाओ। अगर दोनों को स्टैटिक बना दोगे और ओवरराइडिंग करोगे तो ये चल जाएगा। देखिए इस केस में इसको मेथड ओवरराइडिंग नहीं बोलते हैं, इसको मेथड हाइडिंग बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड मेथड हाइडिंग, समझ आ रहा है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, व्हेन वी ओवरराइड मेथड बाय मेकिंग द स्टैटिक बाय मेकिंग स्टैटिक, है ना। अगर आपने पेरेंट क्लास, मतलब मेथड ओवरराइडिंग करो स्टैटिक मेथड बना के, पेरेंट को भी स्टैटिक और चाइल्ड को भी स्टैटिक, तो उसे मेथड ओवरराइडिंग ना बोल के इसे मेथड हाइडिंग बोला जाता है, है ना, मेथड हाइडिंग। मेथड, अब देखो ये कंसेप्ट मेथड हाइडिंग क्यों बोला जाता है ना, इस चीज़ को आप आगे जानोगे, क्योंकि जो स्टैटिक मेथड होते हैं ना उनकी स्टैटिक बाइंडिंग हो जाती है, इसकी हाइडिंग ऐसे हो जाती है। ऐसे देखो, आप जब मेथड ओवरराइडिंग करते हो, पेरेंट क्लास का मेथड कॉल करना चाहते हो, तो सुपर कीवर्ड से कर लेते हो, यहाँ पे नहीं कॉल कर सकते हो आप, यहाँ सुपर यूज ही नहीं कर सकते हो, सुपर डॉट सो लिखोगे एरर आ जाएगा। और एरर इसलिए आएगा क्योंकि आप सुपर कीवर्ड स्टैटिक एरिया में यूज नहीं कर सकते, ये देखिए, तो मेथड हाइड नहीं हो गया, छिप नहीं गया ऊपर वाला मेथड। ऊपर वाला मेथड तो कभी चलने वाला नहीं है ना। तो मेथड ओवरराइडिंग में अगर मेथड ओवरराइडिंग आपने कर भी दिया है और आप चाहते हो कि नहीं आप पेरेंट का मेथड चलाना और चाइल्ड का भी चलाना, तो आप सुपर कीवर्ड से लगा के आप पेरेंट वाले मेथड को कॉल कर लेते हो। बट मेथड हाइडिंग के केस में आप कहाँ पे सुपर कीवर्ड लगाओगे, लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि सुपर कीवर्ड स्टैटिक के साथ लगता ही नहीं है।
तो कहने का मतलब है कि व्हेन वी ओवरराइडिंग अ मेथड बाय मेकिंग स्टैटिक, इफ पेरेंट क्लास मेथड स्टैटिक एंड चाइल्ड क्लास मेथड स्टैटिक, है ना? सो दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग, सॉरी मेथड हाइडिंग, मेथड हाइडिंग, मेथड हाइडिंग। सो मेथड हाइडिंग क्या होती है, क्लियर हो गया? चलिए, अच्छा अब रूल क्या है, और कि हमारे पास एक्सेस रूल होते हैं, कुछ एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर आप बोलिए वो होते हैं। एक होता है हमारे पास पब्लिक, है ना, ये मैं कहाँ पे लिखूँ, मैं अलग जगह कहीं पे लिखता हूँ, है ना, यहाँ पे मैं नोट नोटपैड के अंदर, यहाँ पे मैं, एक होता है हमारे पास पब्लिक एक्सेस रूल, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, एक होता है प्रोटेक्टेड, ठीक है, और एक होता है डिफॉल्ट, और एक होता है हमारा प्राइवेट। ये होते हैं एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस रूल, है ना? इसको मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा ये क्या होते हैं, इनका क्या यूज होता है, एक्सेस स्पेसिफायर क्या करते हैं। वैसे एक्सेस स्पेसिफायर का काम होता है कि ये किसी क्लास के, किसी मेथड के, किसी वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी के बारे में बताते हैं, समझ में आ रहा है कि वो कहाँ कहाँ एक्सेसिबल है। तो जो एक्सेस रूल होते हैं ये, इनको लिखने का तरीका, मैंने ऐसा क्यों लिखा, पहले पब्लिक लिखा, प्रोटेक्टेड लिखा, फिर डिफॉल्ट लिखा, देन प्राइवेट लिखा, इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्गर टू वीकर सिक्वेंस। स्ट्रॉन्गर टू वीकर सिक्वेंस का मतलब क्या है, पब्लिक सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब पब्लिक अगर कोई भी चीज़ आपने पब्लिक बना दिया तो वो कहीं पे भी एक्सेसिबल है। प्रोटेक्टेड बनाया तो प्रोटेक्टेड की स्कोप जो है पब्लिक थोड़ा कम है, डिफॉल्ट की स्कोप ऊपर वाले पब्लिक प्रोटेक्टेड से थोड़ा कम है, प्राइवेट का स्कोप सबसे कम है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्गर टू वीकर सिक्वेंस, ठीक है? तो ऊपर से नीचे आओगे तो स्ट्रॉन्गर टू वीकर, और नीचे से ऊपर जाओगे तो वीकर टू स्ट्रॉन्गर, यानी कि पब्लिक से प्राइवेट जाते हो तो स्ट्रॉन्गर टू वीकर, और प्राइवेट से पब्लिक जाते हो तो वीकर टू स्ट्रॉन्गर। पहले ये बताओ, ये बात क्लियर हो गई? अब ये कैसे काम करते हैं, क्या इनकी कहानी है, ये सब आगे हम जानेंगे, बट मेथड ओवरराइडिंग के केस में ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी मेथड ओवरराइडिंग करें आप, तो हमेशा और हमेशा सिक्वेंस जो होता है वो क्या रखेंगे, वो आप रखेंगे वीकर टू स्ट्रॉन्गर। वीकर टू स्ट्रॉन्गर का मतलब पेरेंट क्लास का मेथड, मान लो अगर पब्लिक है, क्या है पब्लिक, है ना, और PUBLIC, और नीचे आपने छोड़ दिया डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट मतलब कोई कीवर्ड नहीं लगाया, तो ये बताओ ये कौन सा सीक्वेंस हो गया, पब्लिक से डिफॉल्ट, पब्लिक से जो डिफॉल्ट है ये स्ट्रॉन्गर टू वीकर हो गया, बिल्कुल, क्योंकि पेरेंट क्लास का मेथड पब्लिक हो गया, चाइल्ड क्लास का मेथड डिफॉल्ट हो गया, स्ट्रॉन्गर टू वीकर सीक्वेंस हो गया। अब स्ट्रॉन्गर टू वीकर सीक्वेंस जो है ये अलाउ नहीं है, ये कभी अलाउ नहीं होता है, ये ओवरराइडिंग करते टाइम पे आप रूल याद रखिए, एरर आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, चाइल्ड कैन नॉट बी ओवरराइड दिस 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 अटेम्प्टिंग टू असाइनिंग वीकर एक्सेस प्रिविलेज ऑफ पब्लिक। तो फिर अब ये बताओ, तो पब्लिक अगर है और नीचे डिफॉल्ट है तो अलाउ नहीं है, लेकिन डिफॉल्ट से पब्लिक अलाउड है, देखो यहाँ पे उल्टा हो गया ना, अलाउ है, देख लो अभी चल जाएगा। हाँ, और अगर दोनों को पब्लिक पब्लिक कर दें तब भी अलाउड है, तो ऐसा बोल सकते हो कि अगर कोई पब्लिक मेथड है तो उसे पब्लिक बना के ही ओवरराइड करा जा सकता है ना भाई? अगर कोई पब्लिक मेथड है पेरेंट क्लास में तो उसे पब्लिक बना के ही ओवरराइड करा जा सकता है, या तो सेम रख लो या तो वीकर टू स्ट्रॉन्गर रख लो। तो रूल क्लियर है, एक मेथड हाइडिंग से रिलेटेड और एक्सेस रूल से रिलेटेड। तो जब भी मेथड ओवर राइडिंग करें आप हमेशा और हमेशा जो सीक्वेंस है या तो सेम रखेंगे या तो वीकर टू स्ट्रॉन्गर रखेंगे। तो देखो रियल वर्ल्ड में भी ऐसा होता है, रियल वर्ल्ड में भी ऐसा होता है। हाँ जी, क्या कर रहे हो? हाँ, तो मेथड हाइडिंग अलग था और मेथड ओवरराइडिंग, ये ओवरराइडिंग से रिलेटेड ही था इसलिए मैंने आपको बताया, मेथड हाइडिंग एक अलग कंसेप्ट था,
वो अलग कंसेप्ट ये था कि भाई अगर पेरेंट क्लास का मेथड और चाइल्ड क्लास का मेथड ओवरराइडिंग हो रही है और वहाँ दोनों स्टैटिक स्टैटिक के थ्रू हैं तो वो मेथड हाइडिंग है, और यहाँ पे रूल अलग भी बताया मैंने पब्लिक और प्राइवेट वाला कि जब भी आप मेथड ओवरराइडिंग करेंगे तो हमेशा सीक्वेंस वीकर टू स्ट्रॉन्गर रखेंगे। क्लियर है? जब भी मेथड ओवरराइडिंग करेंगे तो सीक्वेंस क्या रखेंगे हमेशा? ठीक है, ओवरराइडिंग के रूल है याद रखना, ओवरराइडिंग करते टाइम पे ये चीज़ हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है,